हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ही टेस्टी वाला लौकी का हलवा। तो यहाँ पे हमने एक लौकी ली है और इसे अब अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फूड प्रोसेसर में इसको ग्रेट कर लिया है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ये हमारी जो ग्रेट की हुई जो लौकी है वो ले लेंगे और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, बर्नर ऑन कर देंगे। और अब इसे हमें करना है रोस्ट, तो अच्छे से हमें इसे सौते करना होगा। तो अंदर 2 से 3 चम्मच जितना घी डालेंगे, पर अभी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा इसको ऐसे ही हमें सौते करना है। ओके, तो अब देखिए 4 से 5 मिनट बाद हमारी जो लौकी है वो थोड़ी सिकुड़ सी भी गई है और इसका कलर भी आप देख सकते हो कि कैसा ब्राउनिश टाइप का होने आया है। अब इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ, आप भी उतना ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही लौकी लिए ज़्यादा घी डालने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अगर आपको ज़रूरत लग रही हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ओके, और फिर इसे वापस से हमें चलाते रहना है, ऐसे सौते करते रहना है। ये जो हमारी लौकी है ना, ऐसे कढ़ाई में चिपकनी नहीं चाहिए, इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे हमने 1/2 ग्लास जितना दूध ऐड किया है और इसे साइड से भी सारे निकाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं चलाना है, हमें इसे लो फ्लेम पे ही सौते करते रहना है। अब ये देखिए हमारा जो दूध है वो भी धीरे धीरे इसके साथ मिलने लगा है और थोड़ा थोड़ा कम भी होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ 2 बड़े चम्मच जितना ऐड कर रही हूँ और ये भी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर ऐड करेंगे पर अभी नहीं, शुगर हम अलग तरीके से बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमारा जो मिल्क पाउडर है, और साइड से भी इसे निकालते रहिएगा, नीचे नहीं चिपकना चाहिए। वैसे दूध डालने के बाद ये नहीं चिपकेगा, डोंट वरी। ये देखिए, देख सकते हो हमारा जो दूध है वो सारा इवेपरेट हो गया है और वो थोड़ा मावा जैसा बन गया है अंदर हमारी लौकी के साथ। फिर भी इसे चलाते रहना है। ये देखिए कितना अच्छा सा एकदम डो जैसा फॉर्म हो गया है ना इसका। और यहाँ पे हमने शुगर ली है, 1 बोल जितनी शुगर ली है। और ये देखिए हमने अपना जो हलवा था उसे बोल में निकाल दिया है। अब उसी सेम पतीले में हम शुगर लेंगे, शुगर को हमें मेल्ट करना है। तो यहाँ पे 1 बोल जितनी शुगर ली है, यानी कि 50 से 60 ग्राम जितनी शुगर है। और फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे, जितना कि हमारी शुगर डिजॉल्व हो उतना ही पानी ऐड करना है और इसकी चाशनी बनाते जाएंगे। धीरे धीरे शुगर डिजॉल्व होगी, इसे स्टर करते रहिएगा। अब हमारी जो लौकी की बर्फी है उसके लिए हमें जो चाशनी बनानी है वो थोड़ी थिक रहेगी, मतलब हमें ये जो चाशनी है वो 2 तार की चाशनी बनानी होगी। तो आप इसे एक प्लेट में निकाल के उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहिएगा, रनी कंसिस्टेंसी हो तो उससे ज़्यादा पकाना पड़ेगा। जब तक कि हमारे चाशनी जो है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह जाती तब तक हमें इसे पकाते रहना है। ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो अब 2 तार की हो गई है, चाशनी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हमने जो हमारे लौकी का हलवा बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब इसके साथ साथ इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए हम यहाँ पे ग्रीन फूड कलर है वो ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी बर्फी जो है वो ग्रीन कलर की लगे। ये देखिए, और अब इसे अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि ये एकदम ही सोक ना हो जाए। ये जो हमारी चाशनी है वो हमारे लौकी में पूरी तरह से सोक हो जाएगी और एकदम थिक बन जाएगा हमारा हलवा। तो अच्छे से मिक्स करना है, कलर भी अच्छे से डिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये देखिए
कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और इसने ना घी छोड़ना चालू कर दिया है। तो ये जो हमारा हलवा है वो रेडी होने आया है। अब एक मैंने यहाँ पे डब्बा लिया है, उसको भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, और अब ये जो हमारा हलवा है उसे हम डब्बे में निकाल देंगे और अच्छे से हमें इसे फैला लेना है। एक लेवल में हमें इसे फैला लेना है। आप इसे इस तरह से भी फैला सकते हो, या फिर आप एक बोल लेके उसके बेस पे थोड़ा घी लगा के उससे भी सेट कर सकते हो। और फिर इसे सेट करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए स्प्रिंकल होने देंगे। ड्राई फ्रूट को इस तरह से थोड़ा सा हमें हलवे में दबा देना है और बस फिर इसके पीसेस कर लेंगे। तो दैट्स इट, रेडी है हमारा लौकी का हलवा। बहुत ही टेस्टी लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय बाय, सी यू।